सीतामढ़ी में 2 माह पहले चीनी नागरिकों के पकड़े जाने के बाद अब एक पाकिस्तानी महिला को भारतीय सीमा में घुसते हुए पकड़ा गया। आपको बता दें कि उसके साथ 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इसमें 1 नेपाली हिंदू और 1 भारतीय मुस्लिम शामिल है। इन सभी को SSB ने हिरासत में लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है। मामला भारत नेपाल सीमा स्थित सुरसन थाना क्षेत्र के भिंडा मोड़ बॉर्डर का है, जहाँ नेपाल की ओर से 3 भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में संदेह के आधार पर भिंटा मोड़ SSB चेक पोस्ट के नज़दीक गश्त कर रहे जवानों ने उन्हें पूछताछ के लिए रोक दिया। वहीं पाकिस्तानी महिला फैसलाबाद इलाके की रहने वाली 24 वर्षीय खदीना नूर है। उसके पास से कॉलेज का एक ID कार्ड भी बरामद हुआ है। युवती के साथ पकड़े गए युवकों में 1 हिंदू नेपाली नागरिक व 2 भारतीय मुस्लिम नागरिक होने की बात कह रहा है। वही मामले की जानकारी मिलते सीतामढ़ी के SP हरकिशोर राय भिंडा मोड़ पहुंचे और सभी से पूछताछ की। फिलहाल सभी को SSB कैंप में रखा गया है, जहां अधिकारी उनसे गहन पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 11 जून को भिंडा मोड़ बॉर्डर से 2 चीनी नागरिकों को SSB ने हिरासत में लिया था। यह लोग दिल्ली से आकर नेपाल के रास्ते से चीन जाने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।